नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। जय सीएलसी, कैसे हो सब लोग? आज 12 जुलाई 2024 को इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के सभी उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिनका सपना डॉक्टर बनना है, लेकिन किसी भी कारणवश 2024 की नीट में वो उस आंकड़े को पार नहीं कर पाए जिसको लोग कहते हैं मित्र सिलेक्शन हो। कोई बात नहीं यार, जिंदगी है, रुकती नहीं जिंदगी। सपना डॉक्टर बनने का है, 24 पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पूरा 25 में करेंगे। अब सब जानते हैं अगला एग्जाम 4 मई 2025 को होना है। इस वीडियो में एक बात और भी कहना चाहूंगा, इस पिछले 1-1.5 महीने में नीट 24 के बाद से जब से एग्जाम हुआ है तब से एक माहौल चल रहा है कि 24 का एग्जाम, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है, इसका फैसला 18 जुलाई को आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को कन्फ्यूज हैं कि 25 की तैयारी करें या 24 का क्या होगा। खैर, उस पर एक ही बात कहूंगा, 18 जुलाई को जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमें उसकी पालना करनी है। लेकिन यदि आपकी रैंक नीट 2024 में जनरल ओबीसी में अंडर 26,000 है तो आप 24 में सिलेक्शन रेंज में है। ऐसे में अंडर 1.4 लाख है, सिलेक्शन रेंज में है। एसटी 1.8 लाख पे है, आप सिलेक्शन रेंज में, यानी 26,000 तक, 1,40,000 तक, 1,80,000 तक इसके अंडर है तो आपको 24 के थ्रू कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसा पिछला काउंसलिंग का अनुभव मेरा और मेरी टीम का, वो आप शेयर करने जा रहा हूं। बट आपकी रैंक इससे अबव है तो आप 25 की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, कड़ी भी है, सच्ची बात है। अब तक आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भाई किसका वेट कर रहे हैं? आपके अपने सीएलसी 15 जुलाई 2024 से रिपीटर का बैच, रैंक अचीवर का बैच, रैंक अचीवर प्लस का बैच, ये तीनों बैच सेपरेट स्टार्ट करने जा रही है और तीनों बैच से रिजल्ट निकालती है आपकी सीएलसी। ये 6 बच्चे आप देखें, 715 नंबर जिन बच्चों के नीट 24 में आए, ये 6 बच्चे उन्हीं बैचेज के हैं। 12वीं के साथ तरुण यादव 715 लेके आता है, वहां भी वही काम किया जाता है। स्कूल से पढ़ के आया मनमोहन देवड़ा फ्रेशर है, स्कूल से पढ़ के आया हुआ है, वो भी 715 लेके आता है, ये फ्रेशर का बैच है। ओजल राव फ्रेशर है बट वो फाउंडेशन की बच्ची थी, उसके 715, यानी इसको रिपीटर बैच बोलते हैं। स्वीटी नाम की गुड़िया जो है वो रिपीटर सीएलसी की है, इसके 715 है। तो अभिषेक चौधरी और कंचन रिपीटर है बट बाहर से किसी कोचिंग से आए, उनके 715 भी है। तो आर ए बैच का रिजल्ट भी है, रैंक अचीवर बैच का रिजल्ट भी है, आर ए प्लस का रिजल्ट भी है, रिपीटर का रिजल्ट भी है, रिजल्ट फ्रेशर का भी है। ये सीएलसी हर स्टूडेंट पे, हर बैच पे काम करती है। 15 जुलाई 2024 को अगला बैच स्टार्ट होने वाला है और 15 अगस्त तक ये बैच चलते रहेंगे। और भाई इतना ही कहना चाहूंगा, किसका वेट कर रहे हो भाई? सपना डॉक्टर बनने का है तो साधन बदलो, रास्ते बदलो, सोच बदलो, संसाधन बदलो, मंजिल मत बदलो यार। मंजिल एक ही है, 4 मई 2025 को मुझे मेरा स्कोर वो पार करना है जिसको लोग सिलेक्शन कहते हैं, सरकार कहती है हाँ भाई आओ आप सीट लेने के योग्य हो। तो दोस्तों, सीकर, अलवर, बीकानेर, जयपुर हमारी ऑफलाइन क्लासेज है, आप कहीं भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं व्यक्तिगत सुझाव दूंगा कि आपको सीकर आना चाहिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ हॉस्टल की रहने की व्यवस्थाएं ज्यादा बेटर है, संस्था के आसपास ज्यादा अच्छी तरह से हम आपका और आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका सहयोग कर पाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं सर, क्लास तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, कई साल हो गए या घर से दूर हैं, हमें टेस्ट 3 चाहिए। कोई बात नहीं, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, चौमू, दिल्ली, ये हमारे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है। ऑनलाइन आप पूरे देश में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीएलसी वो संस्था है जिसका स्टडी मटेरियल कंप्लीट विद सॉल्यूशन है, जिसका बायो का स्टडी मटेरियल कलर्ड में है ताकि बायो के डायग्राम वगैरह समझने में बच्चा कंफर्ट फील करता है, और सीएलसी की टेस्ट क्वालिटी है। आप देखें, ये हमारी गुड़िया है कोटा टेस्ट सेंटर की, जिसने 100+ टेस्ट दे रखे हैं। ये हमारा तरुण 12वीं के साथ 100+ टेस्ट दे चुका है। ये अभिषेक चौधरी जयपुर सेंटर का बच्चा है, 100+ टेस्ट दे चुका है। दोस्तों, 100+ टेस्ट कराने वाली एकमात्र संस्था देश की जिसका नाम सीएलसी है। वह क्लासरूम से, क्लासरूम केवल हमारा ऑफलाइन है, उसका ऑनलाइन कोई प्रावधान नहीं, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो हम आपके सारथी बनने को तैयार हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में कहा भी था, अच्छी गाड़ी का होना जरूरी है, उसके बाद अच्छा ड्राइवर भी चाहिए, अच्छी सड़क भी चाहिए, बट अच्छा रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए। तो ये चारों चीज आपकी सीएलसी के पास है, आप आए सीएलसी के साथ। अब एक बात और आती है, कई बच्चे हैं सर ये बात तो ठीक है बट अब साल दो साल तैयारी कर ली, आर्थिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत है, तो आ जाओ, क्या दिक्कत है यार,
हम उसमें सहयोग भी करेंगे। ये लो जी, ये आपके नीट के स्कोर पे हमारी स्कॉलरशिप है। जो आपका नीट का स्कोर है आप स्लाइड देख ले, इसका आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको साहब ठीक है तो मिल गई स्कॉलरशिप रहने खाने की, आप इधर आ जाओ, रहने खाने स्कॉलरशिप भी है। तो CLCA पढ़ाई में भी सहयोग कर रही है, रहने खाने में सहयोग भी कर रही है। आपका हर तरह से सहयोग करने को CLCA तैयार है, पर एक कदम CLCA की तरफ आपको खुद बुलाना पड़ेगा। बाकी अगले कदम टीम CLCA, मैनेजमेंट CLCA आपके लिए अपने आप पढ़ाएगी। तो दोस्तों सोच विचार बंद करो और आपको तुरंत अभी वीडियो देखने तुरंत बाद मेरी बात अपने बिस्तर बांधना स्टार्ट करो, सीखकर आओ। एक 12th के बच्चे से कहना चाहूंगा, जैसे ओजर दाव हमारी गुड़िया थी, इसका पिछली बार स्कोर 612 नंबर था, इसको कॉलेज मिल रहा था। मेरे कहने से आपने कॉलेज को एक्सटेंड किया, आज एक साल तैयारी की, आज आप जानते हो एम्स दिल्ली में अपनी सीट लगभग श्योर कर चुकी है। तो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, मैं रैंक की बात करना चाहूंगा, 12वीं क्लास के साथ किसी बच्चे को बच्चा CLCA का जवाहर कहो, 12वीं क्लास के साथ दोस्तों आपकी रैंक 12-13 हजार से अबव है, SC में 50-60 हजार से अबव है, ST में भी 70-80 अबव है। तो ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, आपको लास्ट कॉलेजेज में एडमिशन लेने की बजाय एक साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक चांस लेना चाहिए। ओझल की तरह 612 से दे बछीड़ 715 पे जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, यदि आप में हिम्मत है तो मंजिल तक पहुंचाने का अनुभव हमारे पास है। हिम्मत आपकी, हौसला आपका, अनुभव हमारा, ये सब मिलते हैं ना, तो इस प्रकार से ओझल, मनमोहन, अभिषेक, कंचन, तरुण और स्वीटी बन जाते हैं। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूंगा, अभी 11th नीट और JEE का आखिरी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से। JEE टारगेट का आखिरी बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। 12th के एडमिशन बंद हो चुके हैं, TS स्टार्ट हो चुका है। हाँ, TS की बड़ी क्वालिटी है, हमारे टेस्ट के बाद दोस्तों उसका आएगा वीडियो सॉल्यूशन और वो हमारी सीनियर फैकल्टी बनाती है वीडियो सॉल्यूशन। और टेस्ट सीरीज का जो पेपर है उसके वीडियो सॉल्यूशन, उस पेपर के माध्यम से उस टॉपिक को भी हम पूरा समझाने का एक सफल प्रयास करते हैं और सफल भी रहते हैं। उसी की देने का हजारों बच्चा आप जुड़ता टेस्ट सीरीज और अपने सपने पूरे करता है। दोस्तों आओ मिलकर सपने देखते हैं, सपनों बड़ा करते हैं और सपने पूरे करते हैं। ओके, नमस्कार, जय CLCA।